महाराष्ट्र और हरियाणा में सोमवार की शाम को वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल आने लगे। दोनों राज्यों में सर्वे करने वाली 5 प्रमुख एजेंसियों के एग्जिट पोल से यह पता चलता है कि एनडीए फिर से बहुमत में सरकार बना लेगा। चौंकाने वाले परिणाम हरियाणा से भी आए हैं। यहां पर कुल 90 में से 70 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना मिलकर 213 सीटें जीत सकते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एबीपी सी वोटर ने एनडीए को 204 सीटें, यूपीए को 69 और अन्य को 15 बताई है, जबकि रिपब्लिक जन की बात में 216 से 230 सीटें दी गई है एनडीए को, यूपीए को 50 से लेकर 60 तक। न्यूज 18 के सर्वे में 350 सीटें बताई गई है एनडीए को, 39 सीटें मिली है यूपीए को मिलेगी और 6 सीटें अन्य को। इसी तरह हरियाणा में जो बताया गया है उसमें एबीपी सी वोटर में भाजपा को 72 सीटें बताई गई है, कांग्रेस को 8 और अन्य को 10। न्यूज 18 द्वारा 75 सीटें दी गई है कि भाजपा को 75 सीटें यहाँ मिल सकती है, कांग्रेस को 10। इस तरह से दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार बनने के संकेत एग्जिट पोल द्वारा दिए गए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।